हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और थोड़ी सी सैड सिचुएशन हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, तो मूव ऑन करते हैं उससे क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में बात कर रहे थे हम कुछ दिन पहले, तो एक वीडियो अपलोड की है उसमें उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी तो नहीं, जो बॉयकॉट का जो मूवमेंट चल रहा है, अगेन टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं ठीक, बट काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मूवी जो जनरल ट्रोप्स होते हैं बॉलीवुड के जो मूवी को ख़राब कर देते हैं, उससे बच के स्टोरी लाइन कुछ 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 बेटर हो, एनिमेशंस या VFX का जो काम है वो टॉप नॉच क्वालिटी का हो, तो काइंड ऑफ ये एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट कर सकती है ये मूवी। तो श्याम शर्मा शो जी ने श्याम शर्मा शो तो उनका नाम नहीं है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की इसी सिलसिले में, तो वो देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। भाई, ये बॉलीवुड को उड़ता तीर लेने का बड़ा शौक है। सब कुछ भाई उसने तो बहुत सारे लिए होते ठीक हैं। चल रहा था, लोग ब्रह्मास्त्र फिल्म के निकलने के लिए एक्साइटेड भी थे, लेकिन फिर ब्रह्मास्त्र वाले लोगों को जाकर गंद मचानी जरूरी थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। डायरेक्टर ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट डाला कि जो फिल्म का हीरो है शिवा, वो इनिशियली जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी होने वाला था, और फिर रणबीर कपूर की ये क्लिप वायरल हो गई। तो ऑब्वियसली लोग नाराज हैं, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, तो क्या ब्रह्मास्त्र को भी लाल सिंह अब समझ में आया कि उड़ता तीर वाला एग्जांपल क्यों दिया। श्याम शर्मा, आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेकंड। तो ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की एक नई बिग बजट बहुत एम्बिशियस फिल्म है, जिसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार कर रहे हैं। फिल्म का मुझे और काफी लोगों को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि ये फिल्म भारतीय इतिहास, भारतीय कल्चर, भारतीय देवी देवताओं का इस्तेमाल करके एक फैंटेसी एपिक डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अब जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि बॉलीवुड को पिछले कुछ सालों से आदत है उड़ता हुआ तीर लेने की, जहां चाहे बॉलीवुड के एक्टर हो। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers is also, they are only making these nepotistic stuff. No, the audience haven't made you. They might have made other people, but they haven't made you. Your family made you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। चाहे बॉलीवुड A lot of their films were flops because of your bad acting. Writers हो या Bollywood के director हो। हमने बोला, हमें भी Twitter पे चैनल है, बहुत कंस्ट्रक्शन है, but that's it. Please, film release होने के पहले उल्टे सीधे comment कुछ मार दे। यार देखो, अनुराग कश्यप की बात ये है कि ये इन्होंने जैसे सीखा है राम गोपाल वर्मा, पता नहीं बाद में उनको क्या हो गया, कुछ उनके भी सन के वजह से काम आ जाते हैं, लाइक शोले की जो उन्होंने एक बनाई थी रीमेक राम गोपाल वर्मा की, अंगारी या चिंगारी कुछ इस तरीके से उसके अलावा उनकी मूवीज़ अच्छी होती थी, तो इन्होंने उससे सीखा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बट और ये इनका काम इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत ज़्यादा मार्टिन स्कॉर्सेजी से, और ये उसको लाइक कहते हैं ना, कॉपी के लिए भी शक्ल, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो ये अच्छी उसको लाइक इंडियन, जैसे इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी, हालांकि नाम भी उठाया हुआ था गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क से, लेकिन चलो इट्स ओके, मूवी अच्छी बनाई ठीक है, तो वो क्रेडिट इनको दिया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड के अंदर कि अगर कोई बंदा एक अच्छा आर्टिस्ट है तो वो सोशल नॉर्म्स में भी उतना ही फाइन ट्यून्ड होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली एक्टर्स और डायरेक्टर्स, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम समाज की बुराइयों को जितना क्लियरली देख सकते हैं, उनका एब्सोल्यूट विश्वास होता है अपने देखने में। जैसे मैं देखता हूँ, अगर आपने बेन एफ्लिक के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, या फिर जॉनी डेप का भी काफ़ी बुरा हाल हुआ है रिसेंटली, बहुत लोग उसके साथ हैं, लेकिन जब मैं
किसी टॉक शो पे उसके ट्रंप के बारे में उसका बयान सुनता हूँ कि वो ट्रंप को कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे मार ही देता। मैं कह रहा भाई तू बस एक एक्टर है भाई, तू दिमाग मत लगा अपना ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति में और समाज में, जिसका काम है उसको करने दे। और ट्रंप एक सच में, अगर आप लोगों को नहीं है कि जो अगर आप लोगों को लगता है ट्रंप एक गलत बंदा है जो कि लेफ्ट के मीडिया के बायस ने घुसा घुसा के लोगों के दिमाग में घुसा दिया है, दो तीन चीज़ें बता देता हूँ उसके बारे में, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी उसके टाइम पे बेस्ट थी, अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट थी, चीज़ों के रेट लोएस्ट थे, जस्ट दो तीन चीज़ें, यू नो लाइक मेरा कहने का ये मतलब है कि यार जो ये फिल्म सेक्टर के लोग ना समाज और पॉलिटिक्स पर राय दे, तो इनको आप टेप लगा दो इनके मुंह पे या फिर अपने कान पे लगा लो। मेन प्रॉब्लम है कि लोग पैसे नहीं है खर्च करने वो। हाँ इकोनॉमिस्ट है आप सर, पनीर आप पे तो जीएसटी दे रहे हो। ये क्या बकवास कर रहा है? पहले तो इन कमेंट तो से भाई कौन सी कंट्री में नहीं होता टैक्स भाई। उनकी फिल्म को एक्स्ट्रा पब्लिसिटी मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन कमेंट से उनकी फिल्म को नुकसान हो रहा है और लगता है कि जो लोग ब्रह्मास्त्र फिल्म से जुड़े हुए हैं वो भी यही गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस फिल्म में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक तरफ तो फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस फिल्म को हिमालय की जो स्पिरिचुअल धार्मिक एनर्जी है उससे इंस्पायर किया गया है। हमारे पहाड़ों में जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, उसका मेरी जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर रहा है। और मैं मानता हूँ कि उसी एनर्जी से ब्रह्मास्त्र के विजन का जन्म हुआ। ये कहते हैं कि इस फिल्म की आत्मा, अरे भाई हाउ नकली कैन यू बी, और उसका आंसर है ये, भारत का इतिहास और भारत का कल्चर है। लेकिन इस फिल्म की नींव हमारी संस्कृति, भारत की पौराणिक कथाएं और हमारी स्पिरिचुअलिटी से प्रेरित हो। लेकिन ये कहने के बावजूद इन्होंने हाल में ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें ये कह रहे थे कि हीरो जो है हमारा जलालुद्दीन। ये पढ़ते हैं यार क्या है। फर्स्ट ही वाज रूमी, रूमी विद लॉन्ग हेयर। दिस इमेज इज फ्रॉम एन अर्ली लुक टेस्ट फॉर द मूवी। रूमी सेड लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग एंड दैट फीलिंग इज द फाउंडेशन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी ऑन। बट देन देयर वाज न्यू इंस्पिरेशन, न्यू थॉट्स। ड्रैगन बिकेम ब्रह्मास्त्र, वी गेव रणवीर अ हेयर कट एंड रूमी बिकेम शिवा। ओके देखो, रूमी पे बना रहे थे, ड्रैगन बना रहे थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बना लेते। बट लग ये पता है क्या रहा है, लग ये रहा है कि क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि लोगों की जो सोच है और उसकी हवा एक पर्टिकुलर तरीके में है, इन्होंने लाल सिंह चड्ढा की सिचुएशन भी देख ली होगी, तो हर कोई नहीं नहीं जैसे राहुल गांधी टीका लगा के जनेऊ पहन के मंदिर में पूजा करने चला गया था, तो वैसे क्या कार्टून है यार हमारे देश के नेता, यार सोच के देखो ज़रा, बोलने में मुझे हंसी आ रही है, उस बंदे ने कर दिया और दुनिया ने देख लिया। वैसे अब ये लोग भी उसी का ही एक डिफरेंट वर्जन कर रहे हैं, इन्होंने अपनी मूवी का थीम ही चेंज कर दिया उठा के। यार पैसे के दाम पे नाचेगी दुनिया। मोहम्मद रूमी से इंस्पायर्ड है। फिल्म का इनिशियल नाम अगेन, रूमी एक बहुत ही दुनिया में फेमस पोइट है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, नॉट जस्ट पर्शिया में, क्योंकि पर्शियन में लिखते थे वो, या मिडल ईस्ट में, एज अ पोइट उनकी बहुत रिस्पेक्ट है बाकी की दुनिया में भी। और मैंने पहले भी शेयर किया था, उनकी पोएम वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं, जो उससे पोइट्री से रिलेटेड क्लासेस होती हैं उनके अंदर। तो रूमी पे फिल्म बनाना कोई बुरी बात नहीं है अपने आप में इन इट सेल्फ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये लग रही है कि भाई आपने हवा का रुख देख के अपना वो चेंज कर दिया सिस्टम। ड्रैगन होने वाला था जिसमें हीरो रूमी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर होने वाला था। जो फिल्म के गाने भी बनाए गए हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो लगता है कि किसी रूमी टाइप कैरेक्टर को दिमाग में रखकर बनाए गए हैं। रामलीला वाला गाना भी सूफियाना शब्द से शुरू होता है। तो यार बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस भेज रहे हैं हमको डायरेक्टर साहब। कहना क्या चाहते हो? कुछ लोगों का मानना है कि डायरेक्टर ने और फिल्म के पीछे जो लोग हैं उन्होंने फिल्म की स्टोरी पुलवामा के टेरर अटैक के बाद बदल दी। प्रैंक हो गया आपके साथ। उनको शायद लगा कि पुलवामा के बाद इस तरह की फिल्म बनाना इंडिया को पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन है, शायद इनको लगा कि हाल में ही ऐसी फिल्में निकल कर आई हैं जो इंडिया के कल्चर को गले लगाती हैं, इंडिया के कल्चर को इस्तेमाल करके अच्छी स्टोरीज बताती हैं, ये फिल्में भी काफी सक्सेसफुल हुई हैं, तो इस तरह की फिल्म बनाई जाए। और ऐसी फिल्में जो इंडिया के कल्चर को गालियां देती हैं, इंडियंस को गालियां देती हैं, इंडिया को गालियां देती हैं, वो फिल्में काफी फ्लॉप हो रही हैं, तो उस तरह की फिल्म ना बनाई जाए। अच्छा तो लाल सिंह चड्ढा से पहले से ही इन्होंने अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी थी। ओके डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र में
तपस्या कर रहे हैं और उनकी इस कड़ी तपस्या से उन्हें मिलता है एक वरदान। ऋषि मुनि सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने का वचन लेते हैं। और पुरानी स्टोरी के मुताबिक अगर हमारे हीरो रूमी साहब होते तो उनका पावर कहाँ से मिलती? आसमानी किताब से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने रियलाइज किया कि अगर रूमी और आसमानी किताब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे फिल्म में तो कहीं सर तन से जुदा ना हो जाए? हो सकता है कि इनको हिंदू सेंटिमेंट से ज्यादा सर तन से जुदा होने की परवाह हो, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि इस फिल्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हिंदू कम्युनिटी से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे हीरो साहब दूसरे फिल्मों में हिंदुइज्म का मजाक उड़ा चुके हैं। बीफ के भी बड़े शौकीन है। हीरोइन जी की फैमिली भी कुछ अलग है नहीं। इनके पिताजी ने 2611 के अटैक्स के लिए आरएसएस को ब्लेम किया था। इनकी फैमिली तो राणा अयूब को सपोर्ट करती है यार, और अब ये मैडम बोल रही है कि मैं नहीं पसंद हूँ तो फिल्म मत देखो। Are you sure about that? Hey, madam, अपने बड़ों से सीखो। आपके बड़ों ने जो गलतियाँ की हैं, उनसे कुछ सबक सीखिए। But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film. थोड़ा सोच समझ के चीजें बोला कीजिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आलिया के फिल्म का दिवालिया निकल जाए। यार पता है क्या, अभी तक तो मैं नहीं सोच रहा था और मुझे इन एक्ट्रेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। बट मुझे सबसे ज़्यादा क्रिंज वो डायरेक्टर लग रहा है यार, जो कह रहा है कि पहाड़ों से एनर्जी आएगी और उससे वो होगा। भाई तू कितने साल का है यार, तू मूवी का डायरेक्टर है कि भाई सातवीं क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा है स्कूल में? सातवीं भी नहीं, चौथी में, चौथी फेल। एक और कंट्रोवर्सी ये है कि ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के सिर्फ 10 दिन पहले ही KRK, जो कि यूट्यूब पर आजकल एक काफी बड़े मूवी रिव्यू चैनल है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है 2020 में जो उन्होंने ऋषि कपूर के बारे में ट्वीट किया था उसके ऊपर। याद रखिए कि ऋषि कपूर रणबीर कपूर के पिताजी हैं और रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र फिल्म के स्टार भी हैं। तो इस फिल्म के रिलीज होने के 10 दिन पहले 2 साल पुराने ट्वीट्स में KRK को क्यों अरेस्ट किया गया है, ये भी बहुत सस्पिशियस मामला लगता है। क्योंकि अगर आप देखें तो KRK आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन उनके जो YouTube रिव्यूज हो रहे हैं फिल्मों के वो काफी इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप लोग आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर आप शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन यार आप अर्जुन कपूर जैसे सुपर डुपर महा फ्लॉप हीरो की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? इस पिछले साल में उन्होंने जिन जिन बॉलीवुड की फिल्मों को पूरा रिव्यू दिया है उन फिल्मों का काफी बुरा हाल हुआ है। तो क्या KRK के इस अरेस्ट के पीछे बड़े बड़े बॉलीवुड की फैमिलीज का हाथ है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरी बात जो एक जेन्युइन कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इस फिल्म में भी ऐसे लोग हैं जो अजमेर दरगाह ब्रिगेड के मेंबर हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज होने वाली हो तो जर्नलिस्ट इन एक्टर से सवाल पूछे कि आप अजमेर। यार हम हमारे देश में, और इनफैक्ट हमारे देश में नहीं, टीनेजर्स पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट्स होते हैं, चाहे वो म्यूजिकल आर्टिस्ट्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो यू नो लाइक सिंगर्स हों, इनको आइडल मानते हैं और इनको काइंड ऑफ एक यू नो लाइक जो पाथ लीड करता है लीडर भी मानते हैं, काइंड ऑफ फॉलो करना चाहते हैं इनको, जैसे ये चीज़ें करते हैं वैसे करना चाहते हैं। और इसके बावजूद भी जो ये लोग हैं वो अंधविश्वास वाली चीज़ों में, चाहे वो किसी भी टाइप के अंधविश्वास वाली चीज़ हो, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, PK मूवी में आप अंधविश्वास की चीज़ों को हटा रहे हो और फिर रियल लाइफ में आप उसी को ही कर रहे हो, तो आई डोंट नो ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है। खुद मूवी में उस चीज़ को क्रिटिसाइज करके रियल लाइफ में उसको कर भी रहे हो। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि PK में आमिर खान ने किया था और असली में इसकी फ़ोटो दिखाई है करते हुए में, लेकिन इसमें ये भी तो नेक्स्ट PK हो सकता है ना, जैसा कि PK मूवी एंड हुई थी। बट anyway, यार मुझे तो पर्सनली ये डिल्यूजन बहुत छोटी एज में ही ख़त्म हो गया था कि एक्टर्स से कुछ भी हमें दो कौड़ी की सीखने की ज़रूरत है या किसी भी तरीके का लेक्चर लेने की ज़रूरत है। बट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होता है और उस चीज़ को सोच के अफसोस होता है। अच्छा चॉइस नहीं है इस फिल्म के लीड के लिए। ट्रेलर देख के लगता है कि जो हीरो का कैरेक्टर है वो एक स्टूडेंट की एज का कैरेक्टर है, यंग आदमी है।
रणबीर कपूर साहब 40 साल के होने वाले हैं इस साल और कॉलेज एज के बंदे का रोल निभा रहे हैं। लगता है जेएनयू के स्टूडेंट है। मेरे हिसाब से 40 साल के आदमी के बजाय कहीं 25 से 30 साल के बीच के आदमी को कास्ट करना चाहिए था हीरो के रोल में, क्योंकि देखिए अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो डायरेक्टर ट्रिलजी बनाना चाहते हैं, और ट्रिलजी मान लीजिए अगर 6-7 साल चल गई तो हमारे हीरो तो तीसरी फिल्म आते आते 50 साल के होने लगेंगे। कहीं जेएनयू इनकी उम्र देख के इनको सही में डिप्लोमा ना दे दे। और इन एनी केस मुझे ब्रह्मास्त्र से ज्यादा आदि पुरुष जैसी फिल्म में ज्यादा होप है, लेकिन उसके बावजूद जो कॉन्ट्रोवर्सी इस फिल्म के आसपास उत्पन्न हुई है उसको दिमाग में रखते हुए क्या इस फिल्म का बॉयकॉट होना चाहिए? देखिए अगर आप इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो आपकी आजादी है, आप आराम से बॉयकॉट करिए। मैं इस फिल्म को एक चांस देना चाहता हूँ, मैं इस फिल्म को जाकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बॉलीवुड पिछले कई सालों से हमारे कल्चर पे तंज करता हुआ आ रहा है, डिसरिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। फाइनली ऐसी फिल्में निकल कर आ रही हैं जो हमारे कल्चर का इस्तेमाल करती हैं और उनका रिस्पेक्टफुली इस्तेमाल करके अच्छी स्टोरीज बताने की कोशिश करती हैं। और अगर ब्रह्मास्त्र ने भारत के कल्चर का रिस्पेक्टफुली इस्तेमाल करके एक अच्छी फैंटेसी सीरीज बनाई है तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की सीरीज सक्सेसफुल हो। और डायरेक्टर ने एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो में अपनी विजन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। हमारे इतिहास से प्रेरित अस्त्रों की कहानी नए भारत में एक नए अंदाज में बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और अगर ऐसा सच है तो कितनी फिल्में आप सोच सकते हैं जिन्होंने हाँ ये एक्चुअली सही कह रहा है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये कैसी ये मूवी जाती है। क्योंकि देखो क्या ये लोग पहले कर रहे थे उससे इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है वो थोड़ा सा यू नो लाइक इससे आपको इनकी जो ये बॉलीवुड की जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी इनके माइंडसेट का पता चलता है कि ये किस तरफ इनकी जेन्युइन सोच है, बट लेकिन पैसे को देख के फिर ये किसी भी तरफ नाच सकते हैं, वो इनकी एक जेन्युइन सोच का आपको पता चलता है। बट बाइकआउट वगैरह करने का या और ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा ही तब है जब आप वो इस इंडस्ट्री से करवा सको जो आप अपने लिए चाहते हो, यू नो कि जो सही दिशा में आप इस चीज़ को मोड़ सको। इंडस्ट्री ख़त्म करने का किसी को भी डेफिनेटली फ़ायदा नहीं होगा, हमें कोई या एक जनता को डेफिनेटली फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट तो समहाउ चाहिए ही, और हमारी कंट्री में अच्छी बात यह है कि चाहे जैसा भी हो लेकिन इंडिजिनस लेवल पे एंटरटेनमेंट है हमारे पास। अगर हम इसे पूरी तरीके से डेमोलिश कर देंगे तो कहीं और से मूवीज़ आएंगी दूसरी कंट्री से, और उन मूवीज़ के बारे में वो कैसी होंगी, किस तरीके का प्रोपेगेंडा लाएंगी अपने साथ, कुछ कह नहीं सकते। जर्मन मूवी, फ्रेंच मूवी, जापानीज़ मूवी, कोरियन मूवी, अमेरिकन मूवी, हॉलीवुड, इन सब में भी तो किसी ना किसी एंगल से प्रोपेगेंडा होता ही है ना। इरानियन मूवी, इनका भी अपना कुछ ना कुछ बायस होगा, तो हम दूसरे का प्रोपेगेंडा देखने से ज़्यादा शायद अच्छा होगा कि हम अगर अपने वाले को ही बेहतर कर सकें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि या इन्होंने भी कहा कि अगर ये इसे एग्जीक्यूट प्रॉपरली करते हैं, रिस्पेक्टफुली, प्रॉपरली और टैलेंटफुली, यू नो कॉम्पिटिटिवली, तो मौका देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मैं जनरली बहुत सारी मूवीज़ नहीं देखता, और लास्ट बॉलीवुड मैंने मुझे मूवी कब देखी थी मुझे वो याद भी नहीं है। बट अगेन अगर मुझे ऑफकोर्स देखने वाले लोगों से पता चलता है, सुनने में आता है कि यह अच्छी मूवी है जो भी है, और अगर हुई तो मैं इस मूवी को देखने जाऊँगा अगर अच्छी मूवी हुई तो, क्योंकि यू नो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ ऐसे काम को जो कि हमारे कल्चर को एक क्रिंज बना के ना पेश करे, एक क्वालिटेटिव वे में पेश करे। इतने अच्छे तरीके से भारतीय कल्चर का इस्तेमाल करके एक फैंटेसी फिल्म बनाई हो, जितने भी एग्जांपल है सारे बकवास ही हैं। कानून क्रमांक 1:3.6.4 के अनुसार यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने कदम लिया, ओके ये ट्राई करते हैं और ये अच्छा, और इन्होंने सही से कर दिया उसे, और हमने फिर उसे एक पॉजिटिव वो दिया एज लाइक पीपल, आम लोगों ने उसे एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, तो इसे कहते हैं एक पॉजिटिव लूप का क्रिएट हो जाना। कि मतलब आपने एक चीज़ फेंकी उस पर पॉजिटिव बुलाया तो आप उस चीज़ को दोबारा और तेज़ी से फेंकोगे तो फिर उससे और तेज़ी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, यू नो।
तो ये क्रिएट होगा, और जिससे कि जो जो जिस दिशा में आप नैरेटिव को क्रिएट करना चाहते हो उस दिशा में नैरेटिव मुड़ेगा। और डेवलप। और यार मैं तो यार लाल सिंह चड्ढा देखकर आया हूँ। ऐसी एक्टिंग कर रहा है फिर तो मैं देख ही लूंगा। ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बच गया भाई, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। पिछले 10 साल से ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है और जो लेवल ऑफ डिटेल गया है इस फिल्म को डेवलप करने में, अलग अलग अस्त्रों को डेवलप करने में, छोटे छोटे डिटेल्स को डेवलप करने में, उसको देख कर मुझे काफी होप आती है। ब्रह्मास्त्र, ये जोक लग रहा है। जलास्त्र, पवनास्त्र, क्योंकि प्रभास नाम का एक्टर है बाहुबली में। आजादी के समय से इंडियन सिनेमा कितनी दूर तक आ गया है आज कि साइलेंट फिल्मों के दौर से, छोटी छोटी बजट की फिल्मों के दौर से, आज हम ऐसी बड़ी बड़ी बजट के साथ सीजीआई फैंटेसी मूवीज बना रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी रही है आज के मकाम तक पहुंचने की, वो काफी कमाल की जर्नी रही है। और हाल में ही मैं इस जर्नी के बारे में पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी इस जर्नी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया ऑडियो बुक रिकमेंडेशन है। दैट इज व्हाई टुडेस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम। कुकू एफएम, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिस पर 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट है। इनकी किताबों के 4.5 प्लस रेटिंग्स हैं। कुकू एफएम बेसिकली ऑडियो लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहती है। आज की ऑडियो बुक है लाइट्स कैमरा एक्शन द स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमा, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हर एक माइलस्टोन, साइलेंट फिल्म्स हो, चाहे 60s की ब्लॉकबस्टर्स हो, सुपरस्टार्स की एरा हो। क्या किसी को पता है इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी? एक साइलेंट फिल्म थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और उसको बनाया था दादा साहब फाल्के ने। इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है बॉलीवुड में, जो आई थिंक एक एकेडमी अवार्ड का, आई थिंक नेशनल फिल्म अवार्ड शायद सबसे ऊंचा है, बट जो आई थिंक एक जो इंडिविजुअल टाइप का अवार्ड है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड है हाईएस्ट ऑनर। आजकल की जो बिग बजट फिल्में हो उन सबको आपको काफी डिटेल में बताती है। और कुकु एफएम श्याम शर्मा के व्यूअर्स के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेके आया है। अगर आप नीचे दिए गए कुकु एफएम के लिंक पर क्लिक करते हैं, ऐप पर साइन अप करते हैं और कोड SSS50, अगेन कोड SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपकी मेंबरशिप पर 50% ऑफ मिलेगा। यानी आपको आपकी मेंबरशिप 399 पर ईयर के बजाय ₹199 पर ईयर में मिलेगी। तो अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, बढ़िया ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कुकु एफएम पर साइन अप करें, कोड SSS50 का इस्तेमाल करें। और देखिए एक और चीज जिससे मुझे इस फिल्म में थोड़ी होप आई है कि हाल में ही SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और RRR फिल्में बनाई हैं, उन्होंने भी इस फिल्म को हाल में ही देखा और काफी तारीफ भी की। तो यार अगर इंडिया का मेरा फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक इस फिल्म की तारीफ कर रहा है तो मैं तो जाके देख ही लूंगा। और देखिए कभी कभी जब मैं बॉलीवुड की फिल्मों की निंदा करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड बर्बाद हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि बॉलीवुड बर्बाद हो जाए। यार मेरी सबसे फेवरेट फिल्में जो है लाइफ की, उनमें से 80% तो बॉलीवुड फिल्में हैं। यार मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड बेहतर फिल्में बने। मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड एग्जैक्टली यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक अगर एम्पायर है, एक अगर इंडस्ट्री है, तो उसे जला देने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेने में फायदा है, जैसे आपको सूट कर रहा है या जैसे आपके देश के बेटरमेंट के लिए या आपके कल्चर के बेटरमेंट के लिए, जो भी आपका विजन है, अपने अपने लिए बेटर सूटेड उसको कन्वर्ट कर देने में फायदा, मुकाबले की एक बनी बनाई चीज़ को आप जला दें और उसकी जगह फिर कुछ भी ले सकता है, क्योस ले सकता है उसकी जगह। तो यस, अग्री। मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड भारत के कल्चर को उसी तरह का प्यार दिखाए जिस तरह का प्यार भारत की जनता को भारत के कल्चर से है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ब्रह्मास्त्र फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो एक्चुअली भारतीय कल्चर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके एक बढ़िया फैंटेसी स्टोरी डेवलप करती है, तो मेरा कार्तिकेय 2 का रिव्यू जरूर देखें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो का मर्च स्टोर जरूर देखें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको प्रणाम भाई, पूरे दिल से करता है।
यस तो जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअली इस वीडियो को देख के मेरा कोई प्लान नहीं था टू बी ऑनेस्ट इस मूवी को देखने का, क्योंकि मैं और भी कोई मूवी नहीं देखता जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। बट इस मूवी को देखने के बाद मुझे काइंड ऑफ 1% लग रहा है कि शायद यार अगर ये मूवी बढ़िया है तो देख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार जाके थिएटर में मूवी देख लेने में कोई बुराई भी नहीं है। शायद अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। एनीवे तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि पहली बार तो नहीं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ दोज रेयर इंसिडेंट्स कि जब आप कोई वीडियो देखते हो और वो आपका माइंड किसी फंडामेंटल लेवल पे चेंज करती है, कि नहीं देखने से देखने के लेवल पे। बट मैं फिर भी तब देखूंगा जब कुछ बंदे देखकर रिस्पॉन्स करेंगे और उसका कुछ भी जो भी मतलब रिव्यू या फीडबैक जो उसका आएगा उसको देखने के बाद ही। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, मैंने वो मूवी देखी थी जिसमें शीला की जवानी वाला गाना है, जब जब वो मूवी आई थी, और आज तक मैं उस सदमे से उबर नहीं पाया हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी बिना किसी रिव्यू देखे किसी मूवी को देखने नहीं जाता। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।